हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इफ्तार रूटीन का एक मिनी व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो गाइस, जब तक यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो गाइस, अगर आपको सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ वो है फ्रूट प्लेटर, तो उसके लिए मैंने थिनली एप्पल्स को कट कर लिया और ऐसे अच्छा सा डिज़ाइन बना के मैंने इसको सजा दिया है। और एक और बनाना मैं कट कर लूँगी। और मैं गाइस, जैसा फ्रूट प्लेटर, ये फ्रूट चाट नहीं है, बस मैं नॉर्मली फ्रूट को कट करके असेंबल कर लिया है, दैट्स ऑल। चाहे तो आप फ्रूट चाट भी बना सकते हैं। उन्होंने गाइस, ये चेंज होता रहता है, रोज़ाना एक जैसी चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता, तो आज मैंने इस तरीके से फ्रूट प्लेटर तैयार किया है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हो चीनी और चाट मसाला, इट इज़ ऑप्शनल। तो गाइस, सेकंड चीज़ जो मैं बना रही हूँ वो है पकौड़ी, और ये है इसका बैटर, हरा धनिया डाल दिया है तो और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम अपनी पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, ये तो मैं छोटा सा मिनी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाली वीडियोज़ में मैं अपना सहरी टू इफ्तार रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फुल फ्लैश्ड। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, इस रमज़ान में मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने फ्राई कर लिया है पकौड़ियों को। तो गाइस, जो नेक्स्ट डिश का जो मैं आपको अभी आधा दिखा रही हूँ, दैट इज़ आधी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ चिकन बर्गर की, जिसकी असेंबलिंग वीडियो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा मेरे चैनल पे वो वाली वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने मिन्स चिकन लिया है, जिसके अंदर ऐड किया है लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और चाट मसाला, कॉर्न स्टार्च थोड़ा सा। गाइस, वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड ऑन कर लें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड किया है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी सी टिक्कियाँ, तो जो बर्गर का जो मेन चिकन टिक्की होगी, और उसके बाद जो भी आप सॉसेस वगैरह ऐड ऑन करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, इसको ना थोड़ा फ्लैटन अप कर लीजिएगा, चम्मच से थोड़ा फ्लैट कर लीजिएगा, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से सीखेंगी और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगेंगी। तो आप यहाँ पे और भी सारी अपनी टिक्कियाँ मैं ले लूँगी और इसको ऐसे लगा दूँगी थोड़ा फ्लैट कर करके, और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको कर लेंगे। तो इनको गाइस हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाएंगी और अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगी। तो बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आप धीरे धीरे थोड़ा सा तेल लगा के इनको तल लेंगे, ठीक है। और जो असेंबलिंग की वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, अब आपको दिखाती हूँ फाइनल इफ्तार का टेबल। तो यहाँ पे मैंने बनाया था पास्ता, ये खीर मेरे नेबर्स के यहाँ से आई थी, पकौड़ियाँ, बर्गर्स, फ्राइम्स एंड फ्रूट प्लेटर, और ड्रिंक्स में था वही टेट्रा पैक वाली ड्रिंक्स थी। तो गाइज, आई होप आपको मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा मेरा इफ्तार रूटीन अच्छा लगा हो। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय गाइज।